ओम जी माम जी माम बिंग बिंग बो तक तक सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जी माम बिंग बिंग बो तक तक सस्ते न से। हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड यूरोप कम्युनिटी की न्यूज है यार, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। एंड ऑल्सो अगर तो तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही तुम लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाते रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात लेते हैं एजियो टिडप के बारे में। सो कल एजियो टिडप अपने यार लाइव स्ट्रीमिंग चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। एंड वहीं पर वो बात करते हैं कि जब भी वो हिमलैंड्स की वीडियो डालते हैं, एंड ऑल्सो एज ए कंपेयर ऑफ वो जब नॉर्मल गेम्स की वीडियो डालते हैं तो उसमें उनको यार काफी ज्यादा व्यूज में ड्रॉप देखने को मिलता है। एंड लाइक ये चीज यार काफी ज्यादा कॉमन है। वैसे तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ में ये सीन देखी होगी कि जब भी वो माइनक्राफ्ट की वीडियोस डालते हैं तो उनके व्यूज काफी आते हैं। एंड ऑल्सो जब भी यार वो कोई अदर गेम्स को ट्राई करते हैं तो उनके व्यूज बहुत ही कम आते हैं, खास करके स्मार्ट डिपाई बीस बॉशोप एंड एजियो टिडप के साथ में बहुत ही ज्यादा होता है। एंड देखो क्या कुछ कहा एजियो टिडप ने। ये एजियो टिडप करके तुम लोगों को चैनल पता ही होगा, बकवास सा अजीब सा अलग अलग गेम खेलता रहता है। मतलब आजकल के जमाने में कौन अलग अलग गेम खेलता है मुझे बताओ, अलग अलग गेम खेलता कौन है? आजकल यूट्यूबर गेमर थोड़ी होते हैं, आजकल माइनक्राफ्टर होते हैं, जीटीए क्राफ्टर होते हैं या फिर कुछ और ना। आजकल यूट्यूब के कोई गेमर नहीं होता सारी गेम्स खेलने वाला, वो मतलब जो खेलते हैं वो डम होते हैं ऐसे समझ लो। तो ये उनमें से डम लोगों में से जो नहीं तो सारे लोग तो माइनक्राफ्टर ही होते हैं, सो आई एम नॉट श्योर। तो वो जा रहे okay, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो बात करते हैं गेमर जतिन के बारे में। तो यार मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोग गेमर जतिन को तो जानते होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर माइनक्राफ्ट यूट्यूबर है। एंड ऑल्सो आज ही उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें वो कहते हैं ऑन अ स्मॉल ब्रेक। सो यार कुछ दिनों के लिए स्मॉल ब्रेक पे है यूट्यूब से, एंड जब भी यार ये वापस आ जाएंगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो बात करते हैं मिस्टर फ्लांजी के बारे में। तो मिस्टर फ्लांजी का यार जैसे कि तुम्हें पता ही है कि अभी तक वॉइस रिवील तो हुआ नहीं है, बट क्या हुआ अगर मैं ये कहूँ यार कि मिस्टर फ्लांजी का जो वॉइस रिवील है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब लाइक तुम्ही लोगों में से यार किसी ने मेरे को न्यूज सबमिशन में ये न्यूज भेजी कि लाइक स्मार्टीफाई का यार एक दो साल पुराना वीडियो है जिस वीडियो का टाइटल है माइनक्राफ्ट बट एवरीथिंग किल्स यू। एंड ऑल्सो इसी वाली वीडियो में स्मार्टीफाई ने फलाना जी को खुद कॉल किया था, एंड ऑल्सो वहां पर हमें फलाना जी की आवाज भी सुनाई गई थी। सबसे पहले तुम लोगों वाली क्लिप देखो। यस स्मार्टीफाई वाज स्लेन बाय अ काउ, मैं एक काउ से मर गया हूं। एक सेकंड भाई, मैं ऐसे इसको जाने नहीं दूंगा। ये इसने इस वर्ल्ड में क्या किया हुआ है? सारे जानवर मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? ओके, इसको कॉल करते हैं एक बार। हेलो मिस्टर फलाना जी, हमें क्या सीन है, तूने क्या हुआ, ये सारे के सारे जानवर मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? यही तो है, पार करके दिखा। भाई यार ये आवाज जो है वो मिस्टर फ्लांजी जी की होगी। बाकी यार तुम्हें क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो बात करते हैं आई एम बिक्सू के बारे में। तो आज ही आई एम बिक्सू ने अपने चैनल के ऊपर में यार एक न्यू वीडियो को अपलोड किया, और ऑल्सो उसी वाली वीडियो में यार वो रिएक्ट करते हैं व्लॉगर्स के ऊपर में। लाइक वो थोड़ा सा टाइप ऑफ सौरभ जोशी के भी बारे में बात करते हैं। एंड क्या कुछ कहा उन्होंने देखो तुम लोग। व्लॉगिंग बहुत आसान है, मतलब इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है, पर ये नहीं पता फट जाती मोटो ब्लॉगिंग करने में। सबसे ज्यादा मुश्किल जो लगती है ना मुझे मोटो ब्लॉगिंग ही लगती है भाई। इसमें क्या खुद से बात करनी पड़ती है, सामने कोई बंदा होता ही नहीं है, खुद से बात करे जाओ। औरों को देख लो भाई, फूड ब्लॉगिंग देख लो उसमें आपको बंदे मिल जाएंगे, मार्केट ब्लॉग देख लो उसमें आपको बंदे मिल जाएंगे, पर मोटो ब्लॉगिंग में खुद से बात करनी पड़ती है भाई। मैं एक जगह रुक गया रेड लाइट पे, बराबर वाला बंदा पूछ रहा भाई सब क्या करते हो, मैं इनका ब्लॉगर हूँ, मैं भी चौड़े में था, मैं इनका ब्लॉगर हूँ। कह रहा अच्छा तुम वही हो गया, अगना मुगतना सब दिखाते हो। मैंने कहा नहीं नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, शॉट फायर्ड एंड सॉरी भाई। मैं लेकिन नहीं यार, आई फील फॉर हिम। तू खुद सोच भाई, मोटो व्लॉगिंग में बंदा बस बाइक चला रहा है, बंदा बाइक चला रहा है क्या करे, क्या दिखाएगा बंदा, सामने रोड है हम रोड पे जा रहे हैं भाई, खुद से क्या ही बोलेगा बंदा, है नहीं। फूड व्लॉगिंग में खाने के ऊपर टिप्पणी होती रहती है, मोटो व्लॉगिंग वाले भाई आई फील यू, सैड कर दिया यार भाई ने। ऑल्सो नेक्स्ट न्यूज पर बिक्सू से रिलेटेड है। तो लाइक तुम्हें याद ही होगा अभी बिक्सू ने कुछ ही दिन पहले अनाउंस किया था कि उनके जो माइनक्राफ्ट की ओल्ड स्टाइल टाइप ऑफ फनी वीडियोस होती थी जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में वो बनाते थे, वही टाइप ऑफ वीडियोस यार उनकी फिर से वापस आने वाली है जो कि वो अपने सेकंड चैनल के ऊपर में डालेंगे। तो फाइनली उनकी यार माइनक्राफ्ट के ओल्ड स्टाइल टाइप ऑफ वीडियो जो वो बोले थे वो आ चुके हैं उनके सेकंड चैनल पे ऊपर में जो कि ये है। एडिया बाकी अर्थ में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। या बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो बात करते हैं टॉमिनेट के बारे में। तो टॉमिनेट को तो तुम लोग जानते होंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलर माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर हैं और आल्सो ड्रीम एसएमपी के मेंबर भी हैं। तो ये अपना यार एक न्यू ग्रुप चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक तुम्हें पता होगा जैसे केएसआई का साइड में चैनल है ग्रुप चैनल, वैसे उसी टाइप का टॉमिनेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आल्सो इसी के रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें वो कहते हैं ग्रुप चैनल स्टार्ट्स टुमारो, मतलब
मतलब आज ही होगा, गो बी द फर्स्ट फॉलोअर एंड ऑल्सो उनके यार अकाउंट का नाम है द सॉरी बॉयज, जो कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है एंड ऑल्सो यूट्यूब चैनल भी बनाया है, सो यार तुम चेकआउट कर सकते हो। ओके सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं रचित्रो के बारे में। तो रचित्रो को अपने चैनल के लिए यार एक न्यू एडिटर चाहिए, अब शायद से उनका ओल्ड एडिटर जो है वो जा चुका है या फिर टाइप ऑफ कुछ भी हो गया होगा प्रॉब्लम। तो ऑल्सो इसी के रिलेटेड रचित्रो जो है वो एक कॉमेडी पोस्ट करते हैं एंड वो कहते हैं लुकिंग फॉर द बेस्ट वीडियो एडिटर्स फॉर माई चैनल, गो टू दिस गूगल फॉर्म एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। सो यार अगर कोई इंटरेस्टेड है एंड ऑल्सो कोई एडिटर है तो जाके यार सबमिट कर सकता है उनको। ओके सो बढ़ते अपनी लास्ट न्यू सेगमेंट की तरफ जो कि यूट्यूबर्स की वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक सबसे पहले बिक्सू की नीव आ चुकी है, बीच वॉशरूम की नई वीडियो आ चुकी है एंड ऑल्सो इसके बाद में एपिक डेपिक की नई वीडियो आ चुकी है, एंड्रूबी की नई वीडियो आ चुकी है, नॉट गेमर फ्रीड का GTA 5 का न्यू एपिसोड आ चुका है, युग प्लेस की नई वीडियो आ चुकी है, प्रोबर्स 95 की नई वीडियो आ चुकी है, कैरिज लाइफ की नई वीडियो आ चुकी है, द रॉनी गेम्स की नई वीडियो आ चुकी है, एफविप की नई वीडियो आ चुकी है, आई स्टीम की नई वीडियो आ चुकी है, टेक्नो गेमर्स की नई वीडियो आ चुकी है, दांते हिंदुस्तानी की भी नई वीडियो आ चुकी है, तो सारी वीडियो को देख लेना। तो यार अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी, डाइक जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, न्यू सबमिशन के लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर अगर तुम जाके उस न्यूज़ को सबमिट करोगे तो डेफिनेटली यार मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।